अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एज सून एज ऑस्टिन डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मैनी साइंटिस्ट बिगेन टू लुक फॉर द रिवर्स इफेक्ट दैट इज द काज एन इलेक्ट्रिक करंट बाय मीन्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। इन 1831 माइकल फैराडे इन इंग्लैंड एंड एट द सेम टाइम जोसेफ हेनरी इन USA ऑब्जर्व दैट एन EMF इज सेट अप इन अ कंडक्टर व्हेन इट मूव्स अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड। इफ द मूविंग कंडक्टर वॉज कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इट वुड शो एन इलेक्ट्रिक करंट flowing through the circuit as long as the conductor is kept moving in the magnetic field. The EMF produced in the conductor is called induced EMF. This is the definition of induced EMF. And the current generated is called the induced current. This phenomena is known as electromagnetic induction. इस फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखें। व्हेन द कंडक्टर इज कैप्ट मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड द EMF प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF एंड द करंट जनरेटेड इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगेन हम डिफाइन करते हैं, इफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्किट चेंजेस एन EMF एंड अ करंट आर इंड्यूस्ड इन द सर्किट दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी कहाँ पे अप्लाई होता है? दिस फिनोमिना इज यूज्ड इन पावर जनरेटिंग सिस्टम। ट्रांसफार्मर आल्सो यूजेस दिस प्रिंसिपल टू प्रोड्यूस EMF। A credit or ATM card also uses this principle. Any appliances, refrigerator or computer etc. that you plug into a wall socket uses of induced EMF. हम डिस्कस करेंगे इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड करंट को। देर आर मैनी वेज टू प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड EMF। फिगर इलस्ट्रेट वन ऑफ देम। इस फिगर में देखें, एक मेथड है, इसमें आपके पास एक कनेक्टर है लेंथ L, उसका हमने लूप बनाया है वायर्स के साथ और एक गैल्वेनोमीटर को इससे कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है। इस लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। इट मीन्स कि इसमें करंट इंड्यूस हो गया है एंड दिस करंट इज ड्यू टू द इंड्यूस्ड EMF। कंसीडर अ स्ट्रेट पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ L प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट। द वायर इज कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। दिस फॉर्म्स अ क्लोज पाथ और लूप विदाउट एनी बैटरी। अब इसमें हमारे पास कोई बैटरी नहीं है। इन द बिगनिंग व्हेन द लूप इज एट रेस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड नो करंट इज शोन बाय द गैल्वेनोमीटर। इफ वी मूव द लूप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द लेंथ L ऑफ द वायर इज ड्रैग्ड अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट फ्लोज थ्रू द लूप। As we stop moving the loop, current also stops. Now, if we move the loop in opposite direction, current also reverses its direction. This is indicated by the deflection of the galvanometer in the opposite direction. जब हम loop को forward move करवाएंगे तो galvanometer की जो needle है उसकी एक side पे direction होगी और जब हम लूप को बैकवर्ड मूव करवाएंगे तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ओपोजिट साइड पे हो जाएगी।
इट मीन्स कि जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, और डायरेक्शन डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द लूप. द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड विथ विच कंडक्टर मूव्स एंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप. अब हमारे पास इंड्यूस्ड करंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लूप की स्पीड पे और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पे. इफ वी चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप बाय इंसर्टिंग डिफरेंट रेजिस्टर्स इन द लूप एंड मूव इट इन द मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम स्पीड एवरी टाइम, वी फाइंड दैट द प्रोडक्ट ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप रिमेंस कॉन्स्टेंट, दैट इज आई इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF. इसमें यह है कि हम अगर ये जो इंडक्टर है इसकी कुछ रेजिस्टेंस है, अगर इसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस और करंट इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, और वो कांस्टेंट हमारे पास क्या कहलाता है, EMF. तो इसमें ये है कि रेजिस्टर्स हम इंक्लूड करते जाएं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी. द इंड्यूस्ड EMF लीड्स टू एन इंड्यूस्ड करंट when the circuit is closed. और इस induced EMF की वजह से current induced होगा. The current can be increased by induced current को हम किस तरह से increase कर सकते हैं, using a strong magnetic field, moving the loop faster, replacing the loop by a coil of many turns. अगर हम magnetic field को strong कर दें तब भी induced current increase हो जाएगा, अगर हम speed को faster करते जाएं तब भी करंट ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हैं फिर भी करंट इंक्रीज होगा. इफ वी परफॉर्म द अबव एक्सपेरिमेंट इन अदर वेज, दैट इज इंस्टेड ऑफ मूविंग द लूप अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड वी कीप द लूप स्टेशनरी एंड मूव द मैग्नेट, देन इट कैन बी इजीली ऑब्जर्व दैट द रिजल्ट्स आर द सेम. अब अगर हम लूप को मूव नहीं करवाएं और मैग्नेट को मूव करवाएं तो तब भी हमारे पास EMF इंड्यूस्ड होगी, करंट इंड्यूस होगा. थस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इट इज द रिलेटिव मोशन ऑफ द लूप एंड द मैग्नेट दैट कॉजेज द इंड्यूस्ड EMF. इससे हमें ये बात पता चली कि लूप और मैग्नेट इनकी जो रिलेटिव मोशन है उससे EMF इंड्यूस्ड होती है. In fact, this relative motion changes the magnetic flux through the loop. Therefore, we can say that an induced EMF is produced in a loop. If the magnetic flux through it changes, the greater the rate of change of flux, the larger is the induced EMF. अब हमारे पास ये है कि number of magnetic field lines पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब जब हम लूप को मूव करवाते हैं या मैग्नेट को मूव करवाते हैं तो फ्लक्स चेंज होता है. जब फ्लक्स चेंज होता है तो EMF इंड्यूस्ड होती है और करंट इंड्यूस होता है. ग्रेटर द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ग्रेटर इज द EMF इंड्यूस्ड. देयर आर सम अदर मेथड्स डिस्क्राइब्ड बिलो इन विच एन EMF इज इंड्यूस्ड इन अ लूप बाय प्रोड्यूसिंग अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट. अब इसमें यह है कि हमें ये बात समझ आ गई है कि जब फ्लक्स चेंज होता है तो EMF इंड्यूस्ड होती है. तो हम फ्लक्स को चेंज करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे. देखिए डायग्राम में हमें दिखाया गया है कि ये एक बार मैग्नेट है और ये एक कॉइल है और इसके साथ ये गलवानोमीटर लगा हुआ, ये लूप है हमारे पास. हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड कॉइल को मूव करवाएंगे तो इसमें EMF इंड्यूस होगी. जब हम फॉरवर्ड मूव करवाएंगे तो करंट की डायरेक्शन एक होगी, जब हम बैकवर्ड मूव करवाएंगे तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. अब वो हमें गलवानोमीटर की जो निडल है उससे हमें पता चलेगा कि डायरेक्शन किस तरह से चेंज हो रही है. अभी सेकेंड मेथड है, इसमें हम कॉइल को स्टेशनरी रख लेंगे, मैग्नेट को मूव करवाएंगे. जब हम फॉरवर्ड मूव करवाएंगे तो गलवानोमीटर की निडल जो है एक साइड पर डिफ्लेक्शन शो करेगी, और जब हम
बार मैग्नेट को बैकवर्ड मूव करवाएंगे तो गलवानोमीटर की जो नीडल है उसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इट मीन्स कि जब हम फॉरवर्ड मूव करवाते हैं तो करंट की डायरेक्शन और होती है, जब बैकवर्ड मूव करवाते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फिगर 15.2A shows a bar magnet and a coil of wire to which a galvanometer is connected. When there is no relative motion between the magnet and the coil, the galvanometer indicates no current in the circuit. As soon as the bar magnet is moved towards the coil, a current appears in it. As the magnet is moved, the magnetic flux through the coil changes, and this changing flux through the induced produces the induced current in the coil. जब हम magnet coil को towards magnet move करवाते हैं तो flux change होता है। ज़्यादा lines, ये देखिए magnetic field lines coil को cut करती हैं, flux ज़्यादा change होता है, तो इसमें EMF induced होती है। इसी तरह से जब ये बैकवर्ड मूव करवाते हैं तब भी हमारे पास फ्लक्स चेंज होता है और ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। व्हेन द मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल अ करंट इज अगेन इंड्यूस्ड बट नाउ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। द करंट वुड आल्सो बी इंडिकेटेड इफ द मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी एंड द कॉइल इज मूव। अब अगर हम इसमें मैग्नेट को स्टेशनरी रखें, कॉइल को मूव करवाएं, या कॉइल को स्टेशनरी रखें, मैग्नेट को मूव करवाएं, इन दोनों में क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी तो ईएम करंट इंड्यूस होगा। अब हम एक और मेथड को डिस्कस करेंगे। देयर इज अनदर मेथड इन व्हिच द करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल by changing the area of the coil in the constant magnetic field. Figure A shows no current is induced in the coil of constant area placed in a constant magnetic field. अब ये देखें, ये एक लूप है, उसके साथ हमने ये गलवानोमीटर को कनेक्ट किया है। जब इसी तरह स्टेशनरी रहता है तो इसमें कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होता। ये नंबर ऑफ लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको कट कर रहे हैं। हाउएवर व्हेन द कॉइल इज डिस्टॉर्टेड सो एज टू रिड्यूस एरिया, जब हम कॉइल को बैंड की तरह इस डायरेक्शन में कर देते हैं तो अब ये देखें कि नंबर ऑफ लाइंस जो है वो रिड्यूस हो गई है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो गया है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है तो गलवानोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। इट मीन्स इसमें करंट इंड्यूस हुआ है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई है। इसी तरह हम इसको चेंज करते रहेंगे, कॉइल को इस पोजीशन में ले आएं और फिर इस पोजीशन में ले आएं, इससे क्या होगा, इसका फ्लक्स चेंज होता रहेगा। फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। When the area is no longer changes, if the distorted coil is brought to its original circular shape, there may be increasing the area. An oppositely directed current is induced, which lasts as long as the area is changing. जब तक area change होता रहेगा, flux change होता रहेगा, EMF induced होगी, current induced होगा। फर्दर हमारे पास एक और मेथड है, इसमें हम कॉइल को रोटेट करवाएंगे। इस तरह से हम कॉइल को रोटेट करवाएंगे। कॉइल को रोटेट करवाने से नंबर ऑफ फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इस कॉइल को कट कर रही है वो चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी और करंट इंड्यूस होगा। इंड्यूस्ड करंट कैन आल्सो बी जनरेटेड व्हेन अ कॉइल of constant area is rotated in a constant magnetic field. Here also the magnetic flux through the coil changes.
दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल यूज इन द इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। यही मेथड हम इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज़ करते हैं, जिसमें कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है। ये देखें कि कॉइल, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और कॉइल इस तरह से रोटेट कर रही है, तो उसमें फ्लक्स चेंज होता है, तो फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ भी इंड्यूस होती है। वेरी इंटरेस्टिंग मेथड टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल इज बाय प्रोड्यूसिंग अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ नियर बाय कॉइल। वी फर्दर हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। इसमें देखें कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर अटैच है, यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, कोई भी सर्किट में चीज़ नहीं है जो करंट प्रोवाइड करे। और यहाँ हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल है इसके साथ एक बैटरी अटैच है। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करेगा, जो ज़ीरो से अपनी फाइनल पोजीशन पे आएगा। जैसे ही करंट इसमें इंक्रीज होगा तो इसमें इसका फ्लक्स प्राइमरी कॉइल का चेंज होगा और इसका चेंजिंग फ्लक्स इसको कट करेगा, तो इसका भी फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, करंट इंड्यूस्ड।